नमस्कार, मैं अल्ताफ। भारत और पाकिस्तान की क्रिकेट टीमें जब भी आमने सामने होती है तो 2007 T20 विश्व कप के फाइनल का जिक्र ज़रूर होता है। T20 विश्व कप 2021 में हर क्रिकेट प्रेमी को भारत और पाकिस्तान के बीच 24 अक्टूबर को होने वाले महामुकाबले का इंतज़ार है। भारत आज तक T20 विश्व कप में पाकिस्तान से कभी नहीं हारा है। टीम इंडिया ने T20 विश्व कप का इकलौता खिताब 2007 में जीता था। महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई वाली भारतीय टीम ने पाकिस्तान को ही फाइनल में शिकस्त दी थी। 2007 के T20 वर्ल्ड कप में जोगिंदर शर्मा ने आखिरी ओवर डाला था और उनकी गेंद पर एस श्रीसंत ने मिसबाउल हक का जो कैच पकड़ा वो आज भी हर भारतीय फैन को याद है। जब भी ये दोनों टीमें आमने सामने होती हैं तो उस वाक्य का जिक्र जरूर होता है। रोहित शर्मा भी 2007 में विश्व कप जीतने वाली टीम का हिस्सा थे। रोहित ने बताया कि 2007 T20 विश्व कप के फाइनल मैच में वो कवर पर फील्डिंग कर रहे थे और युवराज सिंह पॉइंट पर थे। तभी जोगिंदर मैच के आखिरी ओवर की तीसरी गेंद फेंकते हैं। स्ट्राइक पर मिसबाउल हक थे। पाकिस्तानी बल्लेबाज ने जोगिंदर शर्मा की गेंद पर फाइन लेग के ऊपर से स्कूप शॉट खेला। वहां पहले से ही एस श्रीसंत खड़े थे। हालांकि पॉइंट पर फील्डिंग कर रहे युवराज ने उस कैच की तरफ देखा तक नहीं, क्योंकि उन्हें इस बात का विश्वास ही नहीं था कि श्रीसंत उस कैच को पकड़ लेंगे। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसके गवाह हम सब हैं। You know, you can see UV and Srishant both because short fine and point is there. Like this is the angle. So you could see that. So I saw UV turning around because he didn't want it to watch. Or he was expecting that he's going to drop it. I don't know what was going through his mind. But I mean, it was my first World Cup ever and I had no idea the feeling of winning it. And especially against Pakistan, and it was so big. So I was just praying that just catch it. And I saw he didn't have to move too much. It was just there. It just took 2-3 steps back and he took it. तो अब बात करते हैं ICC T20 विश्व कप 2021 की खिताबी जंग की, जो कि शनिवार 23 अक्टूबर से यानी कि आज से शुरू हो रही है। 17 अक्टूबर से ओमान और UAE में शुरू हुई टूर्नामेंट का पहला राउंड खत्म हो चुका है। श्रीलंका और बांग्लादेश जैसे धुरंधर टीमें सहित कुल 8 देशों के बीच इस राउंड में 12 मैच खेले गए और इनमें से 4 टीमें दूसरे राउंड यानी सुपर 12 स्टेज में पहुंची हैं, जहां से खिताब की असली रेस शुरू होगी। सुपर 12 में पहले से ही 8 टीमें मौजूद हैं, जो क्वालिफिकेशन के वक्त ICC रैंकिंग में शीर्ष 8 स्थानों पर थी। ये सभी टीमें ग्रुप 2 में बटी है। इनमें से विश्व कप के पहले राउंड से 2-2 टीमें अपनी जगह बना चुकी है। अब जबकि पहला राउंड पूरा हो चुका है तो एक नज़र दोनों ग्रुपों पर डालनी जरूरी है, क्योंकि इनमें से एक ग्रुप फुटबॉल की भाषा में ग्रुप ऑफ डेथ बन गया है। पहले आपको बताते हैं कि ग्रुप ए में कौन कौन सी टीमें हैं, उसके बाद बताएंगे ग्रुप बी के बारे में। ग्रुप ए में वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश और श्रीलंका हैं। जबकि ग्रुप टू में इंडिया, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान, नामीबिया और स्कॉटलैंड है। अब आपको बताते हैं कि क्यों ग्रुप ए को ग्रुप ऑफ डेथ कहा जा रहा है। मौजूदा विश्व चैंपियन वेस्ट इंडीज और 2010 का विश्व चैंपियन इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका सुपर 12 का ग्रुप ए के इन 4 जबरदस्त टीमों से पहले ही भरा हुआ था। इन ग्रुप में 2 टीमों के लिए जगह खाली थी जिन्हें पहले राउंड के बाद एंट्री मिलनी थी। पहले राउंड के नतीजे के बाद जो स्थिति बनी उसकी कल्पना शायद ही किसी ने की होगी। ग्रुप ए में शीर्ष पर रहने के बाद श्रीलंका ने इस ग्रुप में जगह बनाई। वहीं ग्रुप बी में दूसरे स्थान पर रहने के कारण बांग्लादेश को भी इसी ग्रुप में जगह मिली। यानी अब इस ग्रुप में 3 विश्व चैंपियन टीमें हैं जिन्होंने मिलकर 6 में से 4 T20 विश्व कप खिताब जीते हैं। इस लिहाज से ये ग्रुप इस विश्व कप का सबसे मुश्किल ग्रुप बन गया है, जिसे आसानी से ग्रुप ऑफ डेथ कहा जा सकता है। शुक्रवार 22 अक्टूबर को पहले राउंड के आखिरी 2 मैच खेले गए, जिसमें ग्रुप ए से नामीबिया ने आयरलैंड को रोमांचक मुकाबले में हरा कर दूसरे राउंड में जगह बनाई। इसी ग्रुप से श्रीलंका ने अपना तीसरा मैच भी जीत लिया। श्रीलंकाई टीम 2 दिन पहले ही सुपर 12 में अपनी जगह पक्की कर चुकी थी और उसका ग्रुप भी पक्का हो चुका था, जिस पर शुक्रवार को मोहर लग गई। वहीं एक दिन पहले यानी गुरुवार 21 अक्टूबर ग्रुप बी के आखिरी मैच खेले गए थे, जिसमें बांग्लादेश ने पपुआ न्यू गिनी को हराकर जबकि स्कॉटलैंड ने ओमान को हराया।
स्कॉटलैंड ग्रुप में पहले स्थान पर रहा जबकि बांग्लादेश दूसरे स्थान पर रहा। वहीं सुपर 12 के दूसरे ग्रुप में भारत, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान पहले से मौजूद हैं। इस ग्रुप में पहले राउंड से दो टीमों को एंट्री मिलनी थी। आदर्श स्थिति में तो ये होता कि बांग्लादेश टीम यहाँ अपनी एंट्री मारती, लेकिन स्कॉटलैंड ने उसे हरा कर ऐसा होने से रोक दिया। इसका इनाम स्कॉटलैंड को मिला जो ग्रुप बी में पहले स्थान पर रहने के कारण यहाँ पहुंची। वहीं पहली बार विश्व कप में हिस्सा ले रही ग्रुप ए की सबसे कमजोर टीम नामीबिया ने सबको चौंकाते हुए दूसरे राउंड में जगह बना ली। हालांकि क्रिकेट के मैदान में मुकाबले वाले दिन कोई भी किसी पर भारी पड़ सकता है, लेकिन अनुभव, काबिलियत और रिकॉर्ड को देखते हुए भारत, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड जैसी टीमों के लिए सुपर 12 राउंड आसान हो गया है। सुपर 12 राउंड में 23 अक्टूबर से मुकाबले शुरू होंगे और कुल 30 मैच दोनों ग्रुप ने मिलकर खेलना है। इनमें से दो ग्रुप से सिर्फ दो दो टीमें आगे बढ़ेंगी और सेमीफाइनल में जगह बनाएंगी। जाहिर तौर पर जिस तरह से दोनों ग्रुप तैयार हुए हैं, कुछ ना कुछ उलटफेर होना तय है। अब आपको बताते हैं कि इस T20 विश्व कप में भारत का मुकाबला कब और किस टीम के साथ होना है। भारत का पहला मुकाबला पाकिस्तान से है जो कि कल यानी 24 अक्टूबर को होना है। ये सबसे ऐतिहासिक मुकाबला है इस T20 विश्व कप का। उसके बाद 31 अक्टूबर को भारत न्यूजीलैंड के साथ अपना दूसरा मैच खेलेगी। फिर अफगानिस्तान के साथ 3 नवंबर को भारत का मैच होना है। अफगानिस्तान के बाद भारत स्कॉटलैंड के साथ 5 नवंबर को खेलेगा और आखिरी मुकाबला भारत का नामीबिया के साथ 8 नवंबर को होना है। फिलहाल के लिए इतना ही। अब देखना है कि इस T20 विश्व कप में भारत किस तरह की परफॉर्मेंस करता है और क्या धोनी की मेंटोरशिप में फिर से भारत 2007 की कहानी को दोहरा सकता है। T20 विश्व कप से जुड़ी तमाम अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें द कंटाप। धन्यवाद।